सीजनल फ्रूट जैसे कि ऑरेंज, ग्रेप्स, अनार, इन सब का जूस अगर घर में ही बन जाए वो भी मिनटों में तो मज़ा ही आ जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। आज मैं बनाने वाली हूँ जूस। नहीं, आज मैं जूस नहीं बनाऊंगी, आज मैं करूँगी रिव्यू। ये एक जूसर है जिसे मैंने मीशो से 119 रुपीज़ में मंगवाया है। 119 रुपीज़ में यार क्या ही आता है, लेकिन ये जूसर आ गया और इन लोगों का दावा है कि इसमें सीडलेस जूस बनता है बिल्कुल, जो कड़वा नहीं होता। देखते हैं यार 119 रुपए में क्या ही मिला है हमें, पैसा वसूल हुआ है या टोटली वेस्ट हुए हैं। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। जूस बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। इसे मैंने ऑनलाइन परचेज किया है, बाय द वे कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल रिव्यू है। इसकी पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, गत्ते के बॉक्स में आता है इस तरीके से। चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर 3 अटैचमेंट्स हैं और इसमें हम 2 तरीके से जूस निकाल सकते हैं। आगे देखिए, मैं वीडियो में दिखाऊंगी। एक ये ऊपर वाला पार्ट है इसका, एक मिडिल पार्ट है और एक इसमें ये मग है। ये देखिए, ये खुल भी जाता है ताकि अच्छे से वॉश हो सके। आज मैं निकालूंगी ऑरेंज का जूस, ग्रेप्स का जूस और मैं निकालूंगी आज अनार का जूस। सबसे पहले हम ये मग रखेंगे और जो इसका मिडिल अटैचमेंट है वो हम इसमें इस तरीके से फिट कर देंगे, और जो ये एक पार्ट है प्रेस करने के लिए इससे हम प्रेस करेंगे। सबसे पहले हम ऑरेंज का जूस निकालते हैं, ऑरेंज को कट करके हम इसमें डाल देंगे और ऊपर से इसे प्रेस करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, काफ़ी अच्छे से जूस निकला है, वेस्ट भी कम हुआ है और ये देखिए सीड भी हमारे क्रश नहीं हुए, इसका मतलब जूस कड़वा नहीं होगा। और 2 ऑरेंज का अच्छा खासा जूस भी निकल आया है, ये देखिए। चलिए अब निकालते हैं हम अनार का जूस, जो घर में ही अच्छा प्योर निकल सकता है। इसी तरीके से हम अनार भी डाल देंगे और ऊपर से हल्के हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। ये देखिए, सीड्स अलग हो गए हैं और जूस अलग हो गया है, अच्छा खासा जूस निकल आया है एक अनार में से। ये देखिए, एकदम फ्रेश और प्योर जूस। अब हम निकालते हैं ग्रेप्स का जूस। कई बार फ्रूट्स घर में पड़े होते हैं और नहीं खाते हम लोग, तो इस तरीके से जूस के फॉर्म में हम इसको ले सकते हैं। ये देखिए, अच्छे से ग्रेप्स का जूस भी निकल आया है, वेस्टेज भी बहुत कम हुई है और जूस की क्वांटिटी भी अच्छी निकली है। जूस की क्वालिटी और क्वांटिटी मुझे दोनों ही बहुत पसंद आई, क्योंकि घर का है, फ्रेश है तो पूरा ट्रस्ट रहता है। अब ये देखिए, अब हम निकालेंगे दूसरे तरीके से जूस। पहले हम इस तरीके से निकाल रहे थे, अब हम इसको उल्टा करके लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। और जो ऑरेंज है वो हम इसे हाफ कट में करेंगे इस तरीके से। आप ऑरेंज या किन्नू कुछ भी ले सकते हैं, मौसमी भी ले सकते हैं, और हमें इस तरीके से हाथ रख के ऊपर से प्रेस करना है और जूस निकालना है। ये तरीका तो मुझे और भी ज़्यादा ईजी लगा कि बीच में से ऑरेंज को कट करो और जूस निकाल लो, और जूस की क्वांटिटी भी अच्छी निकली है, ये देखिए। और क्वालिटी तो मुझे इसकी बहुत ही अच्छी लगी, एकदम गाढ़ा जूस है, अनार का भी, ऑरेंज का भी और ग्रेप्स का भी। आपको इन दिनों में से कौन सा जूस पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अपने हाथ से निकाला हुआ फ्रेश जूस की बात ही कुछ और है। सो ये था आज का रिव्यू। ये जूस भी बहुत अच्छा है और जूस अभी मुझे बहुत पसंद आया। 119 रुपीज़ में इससे बेटर चीज़ आपको नहीं मिल सकती। मेरी तरफ से जूसर के लिए थम्स अप। इसे ज़रूर परचेज़ कीजिए, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं फटाफट के जूस फिनिश कर लूँ।